सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अगर आप किसी जो डीलर होता है वो बड़ा वाला उस पे जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगी। तो जो हमारा कैंटीन करने का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ये, हमें सबसे पहले ना कैंटीन लगाने से पहले अपने बालों को ना वॉश करना है शैम्पू से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल इज रियली नाइस। अकॉर्डिंग टू यू कितने स्मूथ है, कितने सिल्की हो चुके मेरे बाल, आप पास देखिए एक एक बाल आप मैंने हर एंगल से देखिए। तो दोस्तों आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है हिमांशु ग्रेवाल, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों वेलकम बैक एक अनदर वीडियो जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केराटिन घर पे कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मैं लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी केराटिन के ऊपर जिसमें मैं लुक सलून का रिव्यू लेके आया था जो इतना गंदा जितने एक्सपीरियंस मैंने लिया लुक सलून का, सही बोलूं तो इससे बढ़िया इससे गंदी सर्विस मैंने लुक सलून के आज तक नहीं देखी। तो वहां पर मैं गया था तो मैंने कैटिन करवाई थी जिसके लिए मैंने उसको 2500 रुपए 2500 रुपीज दिए थे। तो सही बोलूं तो पैसे वो बर्बाद ही गए थे। चलो हमने 2500 रुपए दिए वो बात की बात थी, अब हम आते हैं दूसरी वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर पे बैठे, अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो घर पे बैठे बालों में केराटिन कैसे करें। ये इसलिए सोचा क्योंकि मैं जब मैं लुक्स पे गया तो मेरे जो 2500 रुपए लगे थे ना, फिर मैंने बैठा फिर मैंने हिसाब लगाया कि मैंने क्या क्या खर्चा करा, तो देखा मैंने कि अगर मैं ऑफलाइन मार्केट से वो क्रीम लाता हूँ केराटिन की उसको अपने बालों में लगाता हूँ तो 2500 रुपए से लेकर 3000 के बीच में मैं अपने बालों में 3 से 4 बार केराटिन कर सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो मुझे 9000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो जहाँ प्रॉफिट हो रहा था वहां तो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि घर पे केराटिन कैसे करें। वैसे आप मेरे बाल को देख सकते हो अच्छे हैं, देखो देखो पास से देखो। मैंने लास्ट मंथ ही केराटिन करवाई थी, उसके 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है तो मेरे बाल हल्के से थोड़े मुड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि दोबारा से केराटिन क्यों नहीं की जाए। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूंगा। खैर इसको हम अलग रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर पे केराटिन कैसे करें। दोस्तों घर पे केराटिन करना बहुत ही आसान सरल इजी है। अगर आप अपने घर पे केराटिन करना चाहते हो तो आपको थोड़े बहुत सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वो सामग्री क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये है केराटिन की क्रीम। तो ये ट्रीटमेंट केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम है जो कि है डैश प्रोटेक्स। तो ये कुछ क्रीम है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप थोड़ा देख सकते हो पास से। ये मैं ये वाली केराटिन की क्रीम यूज कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमें केराटिन करने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है हमें चाहिए होगी केराटिन की क्रीम। इसके बाद जो हमें चाहिए वो है ये है दोस्तों ड्रायर। इसको हम चलाएंगे तो ऐसे हवा आएगी, गर्म ठंडी दोनों ही आ जाती है इसके अंदर से, वैसे तो आपको पता ही होगा। पर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो अच्छी बात है आप ले लेना। अब इसके बाद जो हमें चाहिए वो है दोस्तों ये शैम्पू। आप देख सकते हो कि मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो ये वाला जो शैम्पू मैंने लिया है, शैम्पू की जो कॉस्ट है वो कम से कम 635 रुपीज इस पे लिखी हुई है। अगर आप किसी जो डीलर होता है बड़ा वाला उस पे जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगी। और ये जो केराटिन की जो क्रीम मुझे पड़ी थी वो 2900 रुपए की पड़ी थी, 2900 रुपीज की। क्या पता आपको जान पहचान हो तो थोड़ी सस्ती मिल जाए, पर 2900 रुपए की मिलेगी आपको। तो सेकेंड आपको ये चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए ड्रायर, या ऑप्शनल है क्योंकि हवा मारने के लिए चाहिए होता है बाद दोनों के बाद ऐसे तो इसको कोई ये इतना जरूरी नहीं है। और जो हमारी लास्ट चीज है वो है ये, उफ ये क्या आ गया, थोड़ी दोस्तों ये वाली मशीन नहीं है वो आपको दूसरी नहीं पड़ेगी। ये है वो मशीन जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, प्रेसिंग मशीन है। जब हम अपने बालों में लगाएंगे तो सीधी बात है हमें प्रेसिंग भी करनी पड़ेगी, जब तभी तो हमारे बाल सॉफ्ट और सिल्की होंगे। वैसे प्रेसिंग मशीन से हमारे बाल थोड़े
कहते ना कि जो पावर होती है ना ताकत वो चली जाती है, लेकिन हम कैरेटिन लगा रहे हैं इसलिए इसमें कैरेटिन लगाने से तो हमारे बाल मजबूती होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि इससे जब तक ये नहीं करोगे तो फिर बालों में वो मजा नहीं आएगा। आवाज तो सही आ रही है, तो बस आपको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी या अब ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों मेरी पहली जो वीडियो थी कैटिन वाली लुक सैलून में जो मैंने रिव्यू लिया था वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वो जाके देखिए। अब सामान हमने अपने पास रख लिया, चलिए अब ज्यादा देरी न करते हुए क्रीम को एक कटोरी बाउल में लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, बालों में लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, 3 2 1 गो। तो जो हमारा कैटिन करने का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ये, हमें सबसे पहले ना कैटिन लगाने से पहले अपने बालों को ना वॉश करना है शैम्पू से। तो ये मेरा लोरियल का शैम्पू है, इसको मैं पहले अपने बालों में लगाता हूँ, वॉश करता हूँ, उसके बाद हम अपने बालों में कैटिन लगाएंगे। ये कैटिन की क्रीम है, तो पहले मैं अपने बाल वॉश करके आता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो बाल हमने कर लिए हैं शैम्पू से क्लीन। अब आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत उसको सुखाने पड़ेगा, तो आप ड्रायर का यूज कर सकते हो, नहीं तो आपके घर में जो टॉवल होगा उसको आप अच्छे से अपने सर पे करना, फेरना, लगाना, जो भी करना है वो आपको करना है, और बाल को अच्छे से सुखाना है। एक बार आपके बाल अच्छे से सूख जाए तो आप एक बाउल के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल लीजिए, ज़्यादा मत डालना क्योंकि इसको हमें 4 बार यूज़ करना है। तो आप अपने अनुसार थोड़ी थोड़ी लगा के देख सकते हैं कि आपको कितनी क्रीम चाहिए। तो बस अब हमारे बाल सूखने के बाद अब उसको इसमें डालेंगे। अब ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल इज रियली नाइस। तो इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं और क्रीम अपने बाल लगाने के लिए निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू योर हेयर जितने भी आपके बाल है उसके अलावा आप पता क्यों चाहिए कि इतनी क्रीम काफी है या जो जो डाली थी थोड़ी वो डालते थे, ये बोल देते इसलिए हम थोड़ी सी वो डाल देते बस। और फिर से इसको हम बंद कर देंगे, जो हमारी कैटिन का काम था वो इसको हम लेते स्टैंड में। अब जो हमारी पार्टनर है शिवानी जी, ये हमारे बालों में अच्छे से कैटिन को लगाएगी, तो आपको भी एक पार्टनर की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप अकेले तो कर नहीं पाओगे। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप कर लोगे, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी। तो शिवानी जी आपका काम इसे शुरू होता है जी। ये देखिए कैसे लग रहा है हमारे बालों में केराटिन। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे और ट्यूटोरियल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और घर पे बैठे खूबसूरत कैसे बने वो मैं आपको चैनल में जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हमारे सर पे कैटिन लगना चालू हो चुका है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं हमें देखने के लिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। आप रिंग लाइट भी देख सकते हो कितनी मेहनत लगा रखी है, हम काम कर रहे हैं। ये देखिए सबको इस लड़की को मैंने सिखाया। हाँ कुछ कहना चाहो, थोड़ा तेज की बोलिए। ड्रायर कैसे लगाया जाता है ये मेरी शिष्य, यहाँ पर शुद्ध हिंदी की बात करेंगे क्योंकि हम इंडियन का जमाना है तो हम हिंदी करेंगे। और आप दिन में कमरे में चश्मा लगा के बैठे हैं। ये थोड़ा मैं अपने आपको कूल बनने का थोड़ा कर रहा था कि कूल लगूं। आप सर पे कैरेटिन लगा के चश्मा में कोई कूल नहीं लग रहे हैं। लॉकडाउन के जमाने में घर में कैरेटिन हो रही है, आप सब देखिए बाहर तो हम जा नहीं सकते, पैसों की बचत की जा रही है, आप भी करके पैसे बहुत सारे बचा सकते हो। तो अब हमारे बालों में कैटिन की जो क्रीम है वो लग चुकी है, तो टाइम हम नोट कर रहे हैं, तो करीब हम इसको 40 मिनट तक इसको रखेंगे, उसके बाद का अगला स्टेप आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वरना आप स्किप कर दोगे। तो 40 मिनट के बाद मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाल हम थोड़े बहुत सुखा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपने एचिंग मशीन मारेंगे, तो थोड़े बहुत इसको पहले हम सुखा लेते हैं अपने बालों को, जो क्रीम होती है। तो अब हमने अपने बालों में ड्रायर मार लिया है और बाल थोड़े बहुत हमारे सूख भी गए हैं, तो इसके बाद का जो स्टेप है वो है कि हमें अपने बालों में ना प्रेसिंग करनी होगी। तो थोड़ा ये स्टेप काफी आपको ध्यान से करना है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक आप मशीन को गर्म करोगे तो आपके बाल थोड़े जल भी सकते हैं।
तो कोई आपका पार्टनर हो, कोई साथी हो, तो उससे आप करवाए खुद ना करे, क्या पता कि आपके बाल ना जल रहे। तो अब हम इसको बालों में प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या से क्या आता है। तो यहाँ पर हमने ये चालू कर लिया प्रेसिंग, ये देख सकते हो कि थोड़ी सी उसको हम गर्म होने देंगे, उसके बाद उसको बालों में लगाएंगे। आप देख सकते हो कि ये हमारी कैंटीन हो चुकी है। तो अभी हमें अपने बाल को वॉश नहीं करना है, हम वॉश करेंगे कल नेक्स्ट डे। तो फिर नेक्स्ट डे वॉश करने के बाद आपको दिखाएंगे कि असली जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो कैसा है। अभी आप मेरे बाल को पास से देख सकते हो, हमारे कैमरामैन हमें आपको पास से दिखाएंगे, पास से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने स्मूथ है, कितने सिल्की हो चुके मेरे बाल। आप पास से देखिए, एक एक बाल आप मेरे हर एंगल से देखिए। ये देखिए, मैं खुद दिखा देता हूँ आपको कि क्या कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये यहाँ तक कि आपको हमारी कैरेटिन की जो वीडियो है पसंद आई होगी। आई लाइक दिस हेयर स्टाइल, ओह माय गॉड। मैं मिरर में, सामने मिरर है तो मैं मिरर में अपने आपको देख सकता हूँ कि कैसा। आप देखिए कि सामने मिरर है तो मैं अपने आपको देख रहा हूँ कि कितना बढ़िया सा वहाँ पर लग रहा है मेरे को। बस ये मेरा थोड़ा माइक, यहाँ पर मैं माइक रखता हूँ अपना, और ये है हमारी रिंग लाइट, थोड़ी रोशनी भी तो होनी चाहिए। तो अब मैं वापस आ जाऊँगा अपनी तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगली वीडियो किसके ऊपर देखनी है वो हमें कमेंट में बताएं, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपको वॉश करके दूंगा, तो वीडियो में तो आपको कल दिख ही जाएगा, क्योंकि कल तो मेरे लिए, आपके लिए अगला वो सेकेंड है। तो नेक्स्ट जो मिनट आने वाला है उसमें आप देखिए कि मेरी बात कह सकते हैं। तो चलिए अब मैं कल वीडियो शूट करूंगा। सो वेलकम बैक, कैरेटिन लगाए हुए मेरे को 24 घंटे हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरे बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी मैं बाल को करूंगा वॉश, फिर देखते हैं कि मेरे बाल कैसे दिखेंगे। तो पहले मैं इसको वॉश करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं लोरियल का शैम्पू यूज करूंगा, एक्सपर्ट सीरीज है। तो इसको मैं लगा के आता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अब मैं वॉश करके आ चुका हूँ बालों को अपने, अभी थोड़े बहुत गीले हैं तो मैं इसको थोड़ा सुखा ले रहा हूँ। एक चांद का टुकड़ा रहता है तो बस ये हो गए मेरे बाल, इसको बता दो। तो अब मेरे बाल ना दोस्तों कैटिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक स्टेप और रहता है। यहाँ पर आपको ना एंड में, या बाल धोने के, वॉश करने के बाद, ड्रायर मारने के बाद, या बाल सूज तो आपको ना एक बार और प्रेसिंग मारनी होती है। वैसे प्रेसिंग मशीन मेरे पास पड़ी तो, लेकिन मारने के लिए प्रेसिंग मेरे बालों में भी कोई है नहीं, और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं खुद बैठ के प्रेसिंग मार सकूँ, क्योंकि मैं बालों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपने। तो बस वीडियो इतना ही, आई होप कि आपको मेरी कैरेटिन की वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे बाल काफी अच्छे हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं कोई से भी लुक बनाऊं, लुक तो बन जाएगा, अब तो कहीं पर भी मैं बाल लेके जाऊं, कैसे भी हर स्टाइल में मेरे बाल बने जाएंगे। तो आप, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर देखनी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।